राजधानी में बढ़ रही आपराधिक घटना पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। मंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि अपराध करने वाले व्यक्ति के दिमाग में कब क्या आएगा कोई नहीं जानता। हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस नहीं लगाई जा सकती। अपराध में कमी आई है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि चीजें पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी कई घटना एक साथ हो जाती है। कोशिश की जा रही है कि रायपुर के लिए एक अलग कंट्रोल रूम हो, इससे पूरा शहर संचालित होगा और चौक चौराहों की गतिविधियों पर नजर रहेगी। हम अपराध पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। बता दें राजधानी में कुछ महीने से अपराध का ग्राफ काफी बड़ा है। पिछले एक महीने में 5 से ज्यादा हत्या की वारदात हो चुकी है। हत्या की पुलिस का कंट्रोल नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी चीजों को कल इधर की घटना को लेंगे, कल हम 5-6 नक्सली 3-4 अलग अलग मुठभेड़ में मारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का कंट्रोल नहीं है। अपराध में कंट्रोल हुआ है, बहुत कमी आई है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार का घटना एक साथ हो जाता है। कोशिश कर रहे हैं, अभी रायपुर की अलग एक बना रहे हैं, बहुत जल्द एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जिसमें पूरे रायपुर शहर उस कंट्रोल रूम से संचालित होगा। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पर